लिपस्टिक। ये एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो हर किसी की मेकअप रूटीन का जरूरी हिस्सा बन चुका है। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, लिपस्टिक आपके लुक को इंस्टेंटली एनहांस कर देती है। पर कभी सोचा है ये बनती कैसे है? आज हम जानेंगे इस फैसिनेटिंग प्रोसेस के बारे में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कच्चे माल की बात करते हैं। लिपस्टिक बनाने के लिए कई तरह के रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। लिपस्टिक में सबसे जरूरी होते हैं वैक्सेस, ऑयल्स, पिगमेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मिलकर लिपस्टिक को उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज देते हैं। वैक्स लिपस्टिक को शेप और स्ट्रक्चर देता है। ये लिपस्टिक को सॉलिड और स्टेबल बनाता है। बीज वैक्स, कैंडेलिला वैक्स और कार्नोबा वैक्स सबसे कॉमन है। ये वैक्सेस लिपस्टिक को स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर देते हैं। अब बारी आती है ऑयल्स की। ऑयल्स लिपस्टिक को मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। कास्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है ताकि लिपस्टिक स्मूथली लगे। और पिगमेंट्स, यही वो चीज है जो लिपस्टिक को रंग देती है। पिगमेंट्स लिपस्टिक को वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव कलर्स देते हैं। ये पिगमेंट्स अलग अलग शेड्स और टोन्स में आते हैं। आयरन ऑक्साइड्स, माइका और ऑर्गेनिक पिगमेंट्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ये पिगमेंट्स लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग कलर और शाइन देते हैं। ठीक है, चलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले इन सारी चीजों को मिलाया जाता है। वैक्स और ऑयल्स को पिघलाया जाता है ताकि एक होमोजीनियस मिश्रण बने। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लिपस्टिक की टेक्सचर परफेक्ट हो। फिर इसमें पिगमेंट्स और अन्य एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स लिपस्टिक को उसका फाइनल कलर और फिनिश देते हैं। अब इस मिश्रण को मोल्ड्स में डाला जाता है। ये मोल्ड्स लिपस्टिक को उसकी फाइनल शेप देते हैं। यहाँ ये ठंडा होकर सॉलिडिफाई होता है। ये स्टेप लिपस्टिक को उसकी सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद मोल्ड्स को खोला जाता है और निकलती है कच्ची लिपस्टिक। ये लिपस्टिक अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होती, लेकिन प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। अब आती है फिनिशिंग की बारी। लिपस्टिक को फ्लेम ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसकी सरफेस स्मूथ और शाइनी हो जाए। ये स्टेप लिपस्टिक को एक प्रोफेशनल फिनिश देता है। फ्लेम ट्रीटमेंट के बाद लिपस्टिक की सरफेस बहुत स्मूथ और अट्रैक्टिव दिखती है। फिर इसे केसेस में डाला जाता है और पैक किया जाता है। पैकेजिंग लिपस्टिक को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसे अट्रैक्टिव भी बनाता है। और हाँ, क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। हर बैच को चेक किया जाता है ताकि कोई डिफेक्ट ना हो। क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर्स कि हर लिपस्टिक हाई स्टैंडर्ड्स को मीट करे और कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट मिले। तो ये था लिपस्टिक बनाने का पूरा प्रोसेस। ये प्रोसेस जितना कॉम्प्लेक्स है उतना ही फैसिनेटिंग भी है। अगली बार जब आप अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगाएं, तो याद रखिएगा कितनी मेहनत लगी है इसे बनाने में। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक आर्ट फॉर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा आपकी फेवरेट लिपस्टिक शेड कौन सी है। धन्यवाद।